हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड मेडिसिन में। तो आज हम बात करने वाले हैं डॉक्सी कैप के बारे में, क्या इसमें साल्ट होने वाला है और क्या क्या इसके यूजेज है और मार्केट में और कौन कौन से नाम से ये मेडिसिन मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि हम आज बात करने वाले डॉक्सी कैप के बारे में, जिसमें डॉक्सीसाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड साल्ट होता है, जो एक एंटीबायोटिक ड्रग है। तो चलिए जान लेते हैं मार्केट में किस किस नाम से ये मिल जाती है। तो जैसे एक डॉक्सी सिप 100, डॉक्स्ट एस, डॉक्सीसेप्ट LV, इन ये पॉपुलर ब्रांड नेम में कुछ जिनके नाम से मार्केट में आसानी से मिल जाती है। और अपने डॉक्सीसाइक्लिन जेनरिक नाम से तो ये मार्केट में हर जगह अवेलेबल हो जाएगी। तो चलिए जान लेते हैं क्या क्या इसके यूजेज होने वाले, कहाँ कहाँ। तो जैसे कि एक एंटीबायोटिक ड्रग है, तो ये किसी भी बैक्टीरियल को ख़त्म और रोकने के काम आती है। जैसे फीवर आ जाता है तो उसमें भी इसको दिया जाता है, खांसी जुखाम और नमूनिया वगैरह हो जाता है, गले पे इन्फेक्शन होता है और UTI इन्फेक्शन, यूरिन इन्फेक्शन में भी इसको चलाया जाता है, उसमें भी ये अच्छा कार्य करता है। और स्किन इन्फेक्शन में भी इसको बहुत ज़्यादा सजेस्ट किया जाता है, और मोर देन किसी भी तरीके के इन्फेक्शन में इसको दिया जाता है। चलिए जान लेते हैं इसकी डोज के बारे में, क्या क्या इसकी डोज होने वाली है। तो जैसे डॉक्सीसाइक्लिन 100 mg सुबह शाम एक एक कैप्सूल दिया जाता है खाना खाने के बाद में, लेकिन इसको लेने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर ले। और चलिए जान लेते हैं क्या क्या इसके साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। तो जैसे कि हर एंटीबायोटिक के साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल जाते हैं, वैसे ही इसके भी साइड इफ़ेक्ट देखने को मिले हैं, जैसे कि वॉमिटिंग आना, दस्त लगना, स्किन रैशेज हो जाना, इस तरीके के साइड इफ़ेक्ट आपको दिखते हैं तो आप अपने डॉक्टर के पास जाए, उनकी सलाह ज़रूर लें। और ये था इस वीडियो के यूज साइड इफ़ेक्ट। तो आपको वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।